अरे छोड़ो आप क्या जया बच्चन मंगल, इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है। मायावती ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फुल एक्शन में नजर आई। बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस सपा सबको सुना गई। करीब 20 मिनट तक मायावती एससी एसटी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फायर होती है, साजिश सियासत चुनावी सजा की बात करती है और फिर बारी आती है मीडिया की। तभी उधर से कोई सवाल पूछता है जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच छिड़े युद्ध पर, तो गजब बिगड़ जाती है मायावती, पत्रकार को हड़का जाती है मायावती। ये मामला एससी एसटी वर्गों से संबंधित है, इससे संबंधित सवाल पूछिए आप, ठीक है, धन्यवाद। अरे छोड़ो आप क्या जया बच्चन मंडल, इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है, आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। दरअसल कल राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की सपा सांसद जया बच्चन से तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद जया बच्चन पूरी महिला ब्रिगेड के साथ वॉकआउट कर देती हैं। सदन के बाहर आकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर हल्ला बोल देती हैं और सीधे सीधे बोल देती हैं कि माफी मांगे धनखड़। इस दौरान जया बच्चन के साथ खड़ी उनके हाँ में हाँ मिलाती नजर आती हैं सोनिया गांधी, जिस पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और इसी पर मायावती से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जिस पर मायावती ने पत्रकार को ही डपट दिया। वैसे मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, जरा वो भी सुन ही लीजिए। अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है, संसद जो है, वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे हैं। और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवा हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम ना उठाना, समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रिमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए। तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, अब ये चुप क्यों है, अब ये लोग चुप क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।